नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राज्य के 20 जिलों के निकायों में आज अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इनमें 90 निकायों में से 3 निकायों पर पहले से ही निर्विरोधक अध्यक्ष बन चुके हैं। इनके अलावा अब 87 निकायों में अध्यक्ष के लिए ये मतदान प्रक्रिया चल रही है। दोपहर बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इस मतदान में इन निकायों में 2,964 वार्ड पार्षद वोटिंग करेंगे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़, झुंझुनू के मुकुंदगढ़ और नागौर के कुचेरा में सर्वसहमति से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। रविवार को होने वाले मतदान में अध्यक्ष पद के लिए 187 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य के निकायों में 25 निकायों में भाजपा और 19 निकायों में कांग्रेस बहुमत में है। यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो इनमें सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के इतने वोट बनाना तय है, जबकि शेष में से भी भाजपा ज्यादा भारी नजर आ रही है। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस को फायदा ज्यादा मिल सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है निकाय चुनाव में उसके प्रत्याशियों की जीत ज्यादा होती है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी निकाय चुनाव में पीछे रह जाए। जैसे कि निकाय चुनाव के परिणाम बता रहे हैं, भाजपा थोड़ा आगे निकलती दिखाई दे रही है। अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड में से 48 भाजपा, 18 कांग्रेस, 13 निर्दलीय और 1 रालोपा सदस्य है जो मतदान में भाग ले रहे हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार के निकाय चुनाव में भाजपा को वोट बना था। प्रदेश में 196 निकाय है। इसमें 2019 से अब तक 4 अलग अलग चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पहला मौका है जब कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के मामले में कांग्रेस से लीड ली है। भाजपा 24 पर, कांग्रेस 19 पर रविवार को, यानी कि आज तय होगा कि कांग्रेस इस रेस में कितना आगे निकल जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि 90 में से 50 से अधिक निकायों में कांग्रेस अपना वोट बना लेगी। इससे पहले नवंबर 2019 में 49 निकायों में से कांग्रेस के 35 बीजेपी निकायों में अपना 13 वोट बनाया था। 2020 के निकाय चुनाव में कांग्रेस 36, बीजेपी 12 निकायों में अपना वोट बनाई थी। 2 निकायों में निर्दलीय ने कब्जा किया था। इसके बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के 6 वोट बने थे। प्रदेश में 45 वार्डों में सत्ता की चाबी निर्दलीय और अन्य के पास है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी इन निर्दलियों को मनाने में जुटी है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकांश निर्दलीय या अन्य कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। क्रॉस वोटिंग के खतरे को टालने और निर्दलीय का समर्थन पाने के लिए पार्टी के नेता ग्राउंड पर वर्किंग कर रहे हैं। इसके काम की निगरानी प्रदेश संगठन स्तर पर हो रहा है। जिले में चिड़ावा के ओजटू बाईपास पर रविवार सुबह हरियाणा रोडवेज बस और एक कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कार सवार किसी शोक सभा के कार्यक्रम में जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे। इनमें से सुरेश और कर्मवीर की मौत हो गई। मुकेश मूलचंद और बोमाराम हादसे में घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए चिड़ावा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सों और लोहे के सरियों से गाड़ी के दरवाजे खोले और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने ओजटू में चिड़ावा झुंझुनू हाईवे तिराहे पर ब्रेकर नहीं होने से दुर्घटना बढ़ने की बात कही है। सरपंच संघ के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद डांगी ने सड़क के तीनों तरफ ब्रेकर बनवाने की मांग उठाई। हादसे के बाद मौके पर वाहनों का जाम लग गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया। श्री डूंगरगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रविवार सुबह हुए हादसे में 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। एक कार में परिवार के 6 लोग सवार थे। सुबह करीब 7 बजे सीकर से आ रहे और श्री डूंगरगढ़ से रतनगढ़ की ओर जा रहे टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई। कार का अगला हिस्सा टेम्पो से जा भिड़ा, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। टेम्पो में रखा गया फर्नीचर भी गिर गया। टेम्पो चालक को गंभीर चोट आई है। उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। कार में सवार 6 लोगों में 4 को गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को श्री डूंगरगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया, फिर PBM अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां सभी की हालत नियंत्रण में है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।